स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल श्वेता और बशु रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली का ख्याल भी काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा रिएक्शन वीडियो है वो है एक बहुत ही ज्यादा चर्चित फिल्म जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले जो वाला हमारा जो रिएक्शन वीडियो है राउंड टू हेल का, उसको प्लीज जा करके वॉच आउट करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। ब्रह्मास्त्र को उसका रिव्यू करने के लिए, उसके ऊपर रिएक्शन देने के लिए मैंने इसलिए सोचा, हमने इसलिए सोचा क्योंकि उस पर बहुत ही ज्यादा बॉयकॉट, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा बॉयकॉट कर रहे हैं लोग। और हम ये बताना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या सीन है कि जिसकी वजह से सभी लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। तो और इसका रिएक्शन भी हम लोग देंगे कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो जो आप लोगों को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इस रिएक्शन के लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आइए जल वायु प्राचीन काल से हमारे बीच कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अस्त्रों में भरी हुई हैं। ये कहानी है इन सारे अस्त्रों के देवता की, ब्रह्मास्त्र, और एक ऐसे नौजवान की जो इस बात से अनजान है कि वो ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर है, शिवा। हाय, कौन हो तुम? क्या हो तुम? क्या हो तुम? तेरे लिए बहुत क्यूट लगते हैं ना। शिवा, तुम्हारा हाथ। ईशा, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। कुछ चल रहा है इस दुनिया में ईशा, कुछ पुरानी शक्तियां हैं और उनके कुछ रक्षक हैं। सहस्र नंदिम समर्प्यम। बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स ने इस मूवी में काम किए हैं, आगे बताते हैं। लेकिन एक अंधेरा भी है जो सब कुछ भस्म कर देगा। हमारा सिर्फ एक मकसद, तुम जुड़े हुए हो शिवा हमारी इस अस्त्रों की दुनिया से, क्योंकि तुम खुद एक अस्त्र, अग्नि अस्त्र। VFX और एनिमेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग की हुई है। मुझे इसका VFX बहुत ही प्यारा लगा है। इसमें जितने भी टाइप के अस्त्र आपको दिखाए गए हैं उनका VFX, उनकी वॉइस क्वालिटी, उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। वानरास्त्र, नंदी अस्त्र, प्रभास्त्र, जलास्त्र, पवनास्त्र और ब्रह्मास्त्र। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो इन चारों को मिलाकर, पांचों को मिलाकर हुआ है वो है ब्रह्मास्त्र। इन पिछले सालों में हमने अस्त्रों की एक अनोखी दुनिया बनाई है जिसका नाम है
अस्त्रवश। और ब्रह्मास्त्र पार्ट वन इस अस्त्रवश की पहली फिल्म है, जिसकी शुरुआत होती है प्राचीन भारत के एक दृश्य से, जिसमें कुछ महान ज्ञानी ऋषि मुनि हिमालय की शरण में घोर तपस्या कर रहे हैं, और उनकी इस कड़ी तपस्या से उन्हें मिलता है एक वरदान, एक अपार अखंड ज्योत जो स्वर्ग से धरती पे उतरती है, एक ब्रह्म शक्ति। इस ब्रह्म शक्ति से अस्त्रों का जन्म होता है, ऐसे अस्त्र जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों से भरे हुए हैं, जल अस्त्र, पवन अस्त्र और अग्नि अस्त्र। कुछ ऐसे अस्त्र जो जानवरों की शक्तियों पे नियंत्रण पाते हैं, जैसे वानर अस्त्र जिसमें एक महावानर की शक्ति भरी हुई है, और नंदी अस्त्र जिसमें हजारों नंदियों की शक्ति भरी हुई है। लेकिन अंत में जन्म होता है उस महाअस्त्र का जिसमें स्वयं ब्रह्म शक्ति समा जाती है, एक ऐसा सर्वशक्तिशाली अस्त्र जिससे सारे अस्त्रों की शक्ति जुड़ी हुई है, और ऋषि मुनि उसे नाम देते हैं देवी देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्र का, ब्रह्मास्त्र। ऋषि मुनि सारे अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने का वचन लेते हैं, और वो तब से कहलाते हैं ब्रह्मांश, एक ऐसा गुप्त समूह जो समाज के बीच छुपकर इन अस्त्रों से मानवता की प्रगति में सहायता कर सके। समय के साथ ब्रह्मांश के सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी इन अस्त्रों को आगे सौंपते गए, और आज भी हमारे बीच ब्रह्मांश मौजूद हैं और इन अस्त्रों की रक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन आज के भारत में स्थित है, और मैं मानता हूं कि यह हमारी फिल्म की खासियत है, क्योंकि हमारे इतिहास से प्रेरित अस्त्रों की कहानी नए भारत में एक नए अंदाज में बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है। और हमारी इस फिल्म का नायक है एक ऐसा नौजवान जो एक आम जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो आम लड़का नहीं है, क्योंकि वो है इस अस्त्रों की दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, इंसान के रूप में खुद ही एक अस्त्र, अग्नि अस्त्र। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन इस हीरो की कहानी है, जिसका नाम उन भगवान के नाम से प्रेरित है जिनसे मैं हमेशा बहुत डीपली कनेक्टेड रहा हूँ, शिवा। तो ये तो देखा आपने ट्रेलर ब्रह्मास्त्र का, और कुछ इससे रिलेटेड चीजें जो कि इस मूवी में कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या क्या अस्त्र यूज किए गए हैं। तो ब्रह्मास्त्र से बना हुआ है कई सारे अस्त्र, जैसे कि अग्नि अस्त्र, पवन अस्त्र यानी हवा से बने हुए अस्त्र, पानी अस्त्र, नंदी अस्त्र हो गया, और जो भी एनिमल से रिलेटेड हैं, जैसे जानवरों से रिलेटेड जो अस्त्र हैं वो भी इस मूवी में बताए गए हैं। लेकिन इस मूवी की सबसे खास बात ये है कि इस मूवी में बहुत ही आउटस्टैंडिंग VFX यूज़ किया गया, एनिमेशन यूज़ किया गया, जो कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ था। तो जैसा कि सब लोग जो बोल रहे हैं कि बॉयकॉट करो बॉयकॉट करो, तो बॉयकॉट एक पर्सनल हम लोग निकाल रहे हैं कि चलो बॉयकॉट करते हैं बॉलीवुड की मूवीज़ को, लेकिन ये कोई रास्ता नहीं है किसी को नेपोटिज्म को या किसी मूवी को हमेशा बॉयकॉट करते रहना, क्योंकि उसमें सारे जो एक्टर्स हैं उनके बच्चे काम कर रहे हैं या कुछ भी। आप लोग अदर वे में भी देख सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं कि इस मूवी में कितनी, जिस सिनेमा में पहली बार हमारे इंडियन फिल्म में पहली बार VFX यूज़ किया गया है, जो कि सिर्फ हॉलीवुड में हम लोग देखने को मिलती थी, तो पहली बार बॉलीवुड में VFX एनिमेशन यूज़ हुआ है। तो इस कारण भी आप लोग देखने जा सकते हैं कि किस तरीके से इंडियन सिनेमा में भी ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं और कितने खूबसूरती से यूज़ की गई हैं, क्योंकि
ट्रेलर देख करके इतना तो मालूम चल गया कि इनकी जो वॉइस क्वालिटी, इनका जो VFX, इनका जो एनिमेशन है वो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लग रहा है। दूसरी बात ये है कि बॉयकॉट हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एक मूवी अगर बनती है तो उस मूवी को जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतने ज़्यादा टैक्स के फॉर्म में जो एक अच्छा खासा फाइनेंस होता है वो गवर्नमेंट के फाइनेंस बैंक में जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो भारत के जो ग्रोथ होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ, उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है, हमारे GDP में भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी काफ़ी अच्छा जरिया होता है हमारे फाइनेंस को ग्रोथ करने के लिए। तो इस वजह से भी हमें मूवीज़ को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। और हाँ, आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं वो कुछ गॉड गॉडेस से रिलेटेड थोड़ी सी ज़्यादा बन रही हैं, तो इसकी वजह से भी बॉयकॉट काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और भी बहुत पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से बॉयकॉट हो रहा है। तो आई होप कि आप बॉयकॉट इस मूवी को ना करिए और आगे देखते रहिए, क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग मुझे तो लगी ट्रेलर। अभी तो मैंने मूवी नहीं देखी है, मे भी 2-3 दिन बाद मैं मूवी देखने जाऊंगी, तब आपको रिव्यूज बताएंगे। तो तब तक के लिए हम लोगों का जो रिव्यू है या हम लोगों का जो रिएक्शन है इस ब्रह्मास्त्र ट्रेलर पे या इनके ऊपर जो हमारे विचार हैं वो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बॉयकॉट नहीं करिएगा और देखने ज़रूर जाइएगा। थैंक पार्ट 2 देखने के लिए, मूवी का पार्ट 2 आए इसके लिए आप पार्ट 1 को सपोर्ट जरूर करिएगा और हमें भी करिएगा। जैसा कि ये भी कमेंट देखने को मिल रहा है कि पार्ट 1 में जो नाम है ब्रह्मास्त्र, लेकिन ब्रह्मास्त्र रिलेटेड कोई भी ऐसा काम नहीं दिखाया गया है, तो इसीलिए पार्ट डिवाइड किया गया है कि पहले स्टार्टिंग दिखाई जाए या सिर्फ इंट्रोडक्शन हो कि हाँ नंदी नाम का कोई अस्त्र है, वायु नाम का कोई अस्त्र है, पवन अस्त्र है, अग्नि अस्त्र है, बहुत सारे इंट्रोडक्शन दिया गया है और थोड़ी सी लव स्टोरी दिखाई गई है। मे भी उसके पार्ट 2 पार्ट 3 में आपको ब्रह्मास्त्र जो अस्त्र है उसके बारे में डिटेलिंग जानने को मिलेगी। तो आई होप आपको हमारा रिएक्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा और शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पे लेकर के आएँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस चैनल एंड फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।